हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, ये पैंट का लंबाई घटाना सीखेंगे आज। ये लेडीज़ पैंट है, तो ये कैसे घटेगा तो आज इस वीडियो में सीखने की मिलेगा आपको। तो सबसे पहले दोस्तों, कपड़ा को अच्छा से बैठा लेंगे। बैठाए कपड़ा को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में इसका जो लंबाई है वो लंबाई नापेंगे। तो इस पैंट का लंबाई हमें 34.5 इंची तैयार करना है। तो ऐसे बराबर पकड़ के 34.5 इंची पे एक निशान लगा देंगे और फोल्ड करने के लिए 1.25 इंची का एक निशान स्टडा लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में यहाँ से इसको काट लेंगे, एक पल्ला करके दूसरे पल्ला को भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि कपड़ा थोड़ा सा मोटा होता है और थनकने वाला होता है, तो इसको ऐसे दोबारा के मोड़ने से थोड़ा सा यहाँ मोटा हो जाता है। इस पर हम पहले इंटरलॉक लगा लेंगे, तब इसको मोड़ेंगे। तो दोस्तों, हम इंटरलॉक मशीन पे आ गए हैं, तो पहले इसमें इंटरलॉक लगा लेते हैं। इंटरलॉक लगा के मोड़ने से क्या होता है कि जैसे आपका पहले था बिल्कुल ओरिजिनल जैसा सिलाई दिखता है दोस्तों। तो इंटरलॉक लगा के तब इसको मोड़े, मोड़ने में भी आसान हो जाता है, कपड़ा भी ज़्यादा मोटा नहीं होता है। ऐसे दोबारा के मोड़ेंगे तो काफ़ी सारा मोटा हो जाता है कपड़ा, टनकता भी है, अच्छा से बैठता भी नहीं है। तो इंटरलॉक मार के मोड़ने से ये कपड़ा अच्छा से बैठ जाता है। तो पहले हम इंटरलॉक लगा लगाते हैं, तो कैसे इसका सिलाई होगा हम बताएंगे दोस्तों आपको। तो ये हमारा इंटरलॉक लग गया है, मशीन पे आ गए हैं। तो ये जहाँ से निशान हमने लगाया है उतना ही चौड़ा हमको मोड़ना है। तो ये देख लेंगे सिलाई कहाँ से मोड़ना है। तो पहले सिलाई हमारा अंदर की तरफ से मोड़ना चाहिए। तो ऐसे अंदर तरफ से अच्छा से बैठा लेंगे, जितना मोड़ना था हमको उसी हिसाब से कपड़ा को बैठा के अच्छा से सेट करके इसको मोड़ेंगे। बिल्कुल मार्जिन बराबर करते हुए इंटरलॉक के जो बीचों बीच में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे ज्वाइन के पास में लगे टाँकी बांध देंगे, ताकि बांध के धागा जो है उसको काट के फेसिंग से हटा देंगे और इसको पलट के एक चाप का सिलाई लगाएंगे दोस्तों। बिल्कुल बराबर एक चाप का सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद में कपड़ों को अच्छा से बैठा के इसको सेट कर लेंगे। चाहे तो आप आयरन से भी इसको बैठा सकते हैं। तो ये देख लीजिए अंदर का सिलाई भी और बाहर का सिलाई भी कितना अच्छा से ये बैठ के सेट हो गया है। और इसको नाप के देख लेंगे, 1.25 इंची में एक सूत कम है। तो सेम इसी तरह से दूसरे साइड को भी नाप के देख लेंगे, जितना हमारा उसमें मोड़ा हुआ है इसमें भी उतना ही मोड़ना चाहिए। तो इसको अच्छा से बैठा के सेट कर लेंगे। इसमें भी सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले मोड़ी मोड़ा है सेम उसी तरह से इसको भी मोड़ के सिलाई इसका तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार फर्स्ट बार मेरे चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का हर एक वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसको भी सेम दूसरी तरह को सिलाई लगाने के बाद में एक चाप का सिलाई ऊपर से लगा के इसको भी सेट कर लेंगे। ये दूसरा मोड़ी भी बनके हमारा ये तैयार हो गया है। इसको भी अच्छा से बैठा के कपड़ा को सेट कर देंगे। ऐसे करने से क्या होता है कि अच्छा से बैठ जाता है। अगर नहीं बैठे तो थोड़ा सा आयरन से भी आप कर सकते हैं। तो ये नाप के दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सेम हमारा मोड़ी मोड़ के तैयार हो गया है।